फिरोजपुर में अवैध अतिक्रमण का मुद्दा अब घरमाता जा रहा है। गांव के कुछ दबंगों ने लगभग 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन दबंगों के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए। दरअसल 23 साल से ग्रामीण न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इसके पहले भी जिले के आला अधिकारियों के द्वारा लिखित आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन आज भी ग्रामीण न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालांकि अब अधिकारी इस मामले में जल्द कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये इससे पहले माननीय SDM महोदय भी आए थे, जो झूठा आश्वासन देकर के चले गए थे और जमीन का कब्जा दिलाने का भी और फसल जब्ती का, ये उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है 2 दिन के अंदर तो हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय का कार्यालय घेराव करेंगे। सर, हम तो अवैध नहीं कर सकते हैं, शासन हमारा शासन उस पट्टे को जांच करने के लिए हमारा मांग के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं। वो बता सकते हैं कि ये फर्जी पट्टा है कि असली पट्टा है। दूर से हमको शिकायत मिली है कि वहाँ के कुछ लोग, लगभग 35-40 लोग के द्वारा बेजा कब्जा किया गया है। उसका तहसील कोर्ट में उसकी जाँच चल रही है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के अपोलो